हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हमीरपुर में नर्सिंग एसोसिएशन ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्सिंग एसोसिएशन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन उन सभी नर्सों को संगरोध नहीं कर रहा है जो मरीज टांडा मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि पहले ये मरीज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन रहे हैं। नर्सिंग एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक तंत्र की सुध ले। नर्सिंग एसोसिएशन ने अब निर्णय लिया है कि वे अब बाजू पर काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताएंगी और अपनी सेवाएं देंगी। वहीं कांग्रेस ने भी नर्सिस एसोसिएशन का साथ देते हुए कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था चरमरा गई है, अतः सरकार इस बारे शीघ्र पग उठाए, वरना कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हमीरपुर नर्सिंग एसोसिएशन ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्सिंग एसोसिएशन की महासचिव सुमन ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज पर आरोप जड़ते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन उन सभी नर्सिस को संगरोध नहीं कर रहा है जिन्होंने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार करवाने पहुंचे मरीजों को अपनी सेवाएं दी हैं। बाद में वे मरीज टांडा मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुमन ठाकुर ने बताया कि पहले ये मरीज मेडिकल कॉलेज में हमीरपुर में ही अपना उपचार करवा रहे थे, लेकिन बाद में उन मरीजों को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। नर्सिंग एसोसिएशन की महासचिव सुमन ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सेज के कोरोना टेस्ट तो ले लिए गए हैं, पर उन्हें संगरोध नहीं किया गया है, जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। नर्सों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने इस तरह की लापरवाही बरती है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर, हम कंप्लेंट इससे कर रहे हैं कि 20 तारीख को हमारे पास एक पेशेंट जो है उसकी सर्जरी होती है, 19 को उसकी सर्जरी होती है, 20 को उसको रेफर किया जाता है और हमें उसके कोविड पॉजिटिव होने की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद 22 अगस्त को दो पेशेंट और रेफर होते हैं, एक PGI के लिए, एक टांडा के लिए, वो दोनों भी पॉजिटिव आते हैं। 25 अगस्त को हमारे पास अपने ही यहाँ हमीरपुर हॉस्पिटल में 4 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। उसके बाद 27 को हमने रिटर्न भी दिया हुआ है अपने MS को कि लड़कियों को सैंपल लिए गए लेकिन उनको संगरोधित नहीं किया गया, जिसकी वजह से अगर कोई लड़की या उसके घर वाले पॉजिटिव आते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। लेकिन हमारी उस एप्लीकेशन पे भी हमें कोई रिस्पांस नज़र नहीं आया। आज की डेट में हमारे स्टाफ के 10 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 20 तारीख को जब वो मरीज़ पॉजिटिव आया उसी टाइम इसको 2 या 3 दिन के लिए भी सील कर दिया जाता और प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जाती तो शायद आज ये लड़कियां पॉजिटिव नहीं होती। इनके पॉजिटिव होने के साथ साथ ये काम करती रही और मरीज और उनके जो साथ में अटेंडेंट है वो भी उनके संपर्क में आए तो उनको, और कुछ एक तो मुझे लगता है कि उसमें से डिस्चार्ज भी हो गए। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड का एक जरिया बना हुआ है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं इवैल्यूएशन कमेटी ये बताए कि उनका काम क्या है, और प्रशासन से हम इतना ही चाहते हैं कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, हमारी स्टाफ नर्सेज की सेफ्टी के लिए क्या किया जाए, किया गया उनकी तरफ से। वहीं सुमन ठाकुर ने कहा कि मेडिकल प्रशासन को लिखित रूप से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी नर्सेज को संगरोध नहीं किया गया, जिसके चलते सभी नर्सें विरोध स्वरूप काले बिल्ले लगाकर अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। इससे पहले डॉक्टरों ने भी विरोध करके ही स्वयं को संगरोध किया है। करने के लिए कल से हम अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिटर्न में दे चुके हैं, और जब तक हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम नहीं किया जाता तब तक कल से हमारी सारी लड़कियां काले बिल्ले लगा के काम करेंगी। और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे स्टाफ नर्सेज हैं, चाहे डॉक्टर हैं, उन सब के लिए प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। डॉक्टरों को तो इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया, लेकिन वो भी झगड़ के लिया है उन्होंने क्वारंटाइन, लेकिन स्टाफ नर्सेज को यही बोला गया कि वो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ अपना काम करें। तो ऐसा क्यों है? प्रोटोकॉल तो एक जैसा ही होना चाहिए।
तो अभी तो फिलहाल हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक या दो दो स्टाफ नर्सेज ही एक शिफ्ट में बुला रहे हैं। हमारी एमएस साहब से परवली भी बात हुई है, हमने रिटर्न भी दिया है, हम किसी को पर्टिकुलर नहीं बता, लेकिन हम ये बोलते हैं कि प्रशासन जो प्रशासन को जहाँ भी जो व्यक्ति गलत लगता है इस चीज़ को फैलाने में जिस व्यक्ति का योगदान रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और उसको इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, वो अपनी जिम्मेवारी लें कि हमारी गलती की वजह से आज ये लड़कियां इतनी पॉजिटिव हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से जहां डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण का शिकार होना पड़ा है, वहीं इस कारण प्रसूता महिलाएं, नवजात बच्चे और मरीजों के तीमारदार भी कोरोना की चपेट में आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कॉलेज प्रशासन पर संक्रमण फैलाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन सरकार को भी गुमराह कर रहा है और सरकार को खुश करने के उद्देश्य से गलत जानकारी दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था चरमरा गई है, अतः सरकार इस बारे में शीघ्र पग उठाए वरना कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है ये निस्संदेह कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है और हमारी मांग है कि इसके जुर्म में कॉलेज प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। 19 तारीख को एक महिला की रिपोर्ट जो है वो टांडा में पॉजिटिव आती है और 20 तारीख को सिर्फ डॉक्टर्स को आइसोलेशन में भेजा जाता है और जो ओटी स्टाफ है और नर्सें हैं उनको जो है वो ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमण इस ढंग से फैला कि उससे ना केवल डॉक्टर्स, ओटी स्टाफ, वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी इससे जो हैं वो संक्रमित हुए, बल्कि जो प्रसूता महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनके तीमारदार थे, वो भी इससे जो है वो संक्रमित हुए हैं। ये निस्संदेह प्रशासन की लापरवाही है और इन्होंने डॉक्टर्स और उन सबको जो है वो समय रहते संगरोध में नहीं भेजा, जिसकी वजह से ये इतना संक्रमण फैला और इस तरह से दहशत का माहौल बना है। आज हमीरपुर कॉलेज की दशा ऐसी हो गई है कि इस कॉलेज में प्रशासन जो है कॉलेज का वो सरकार को आधी अधूरी जानकारी देकर अपने मनमाफिक काम कर रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको सरकार से छुपाया जा रहा है ताकि ये ना पता लगे कि हमारी गलती की वजह से एक ही दिन में इतने लोग संक्रमित हुए हैं, उनको धीरे धीरे करके बताया जा रहा है। ये कोताही है निस्संदेह। अगर सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। पूरा स्टाफ आतंकित है, सभी लोग दहशत में हैं, दवाइयों वाले दहशत में हैं, आम आदमी को वहाँ पे जो है वो संक्रमित किया गया है। जब बाकी लोगों के ऊपर संक्रमण फैलाने का केस बनते हैं तो प्रशासन के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और जो लापरवाही हुई है इस लापरवाही के विरुद्ध जो है वो सख्त कार्रवाई सरकार करे, ये हमारी मांग है।